हिंदी और उर्दू का पताका पूरे विश्व में लहरा रही हैं। ऐसी हमारी बड़ी बहन लता जी, जोरदार तालियां बजाइए लता जी के लिए। कई सालों से आप लोगों के बीच में आ रही हूं, बहुत तरह की रचनाएं सुनाई हैं और कोशिश करती हूं कि मैं जब भी आऊं कुछ अलग हटके नया सुनाने की कोशिश करूं। लेकिन ये बात मैं ज़रूर कहूंगी कि जो भी जिस अवसर का यह कवि सम्मेलन है उसके लिए बधाई ज़रूर दूंगी, लेकिन अगर आप सोचते हैं कि मैं आज 2 अक्टूबर के दिन ये कहूं कि गांधी जयंती पर आप सबको बहुत मुबारकबाद देना चाहती हूं, तो मैं ये नाटक नहीं कर पाऊंगी। क्योंकि जहां जात और धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर, खाने के लिए, पहनने के लिए इतना मारकाट आज है कि हम भाई भाई को एक दूसरे को मार रहे हैं, पड़ोसी पड़ोसी को मार रहे हैं। आप अभी खबर सुन के आएंगे कि मीट को लेके हत्या हो गई, यहाँ शिवड़ी में कल हत्या हो गई। मैं नहीं कह पाऊंगी कि जहाँ अहिंसा परमो धर्म जैसे बापू ने जो नारा दिया था ये वही देश है, क्योंकि भारत तो रामो नानको गंगा का है चमन, और इस चमन में आज अहिंसा का है दमन। भारत तो रामो नानको बापू का है चमन, और इस चमन में आज अहिंसा का है दमन। इतिहास की है शर्म से गर्दन झुकी हुई, इंसानियत है मौत का ओढ़े हुए कफन। इंसानियत है मौत का ओढ़े हुए कफन। बहुत अच्छे। क्योंकि मैं सियासतदान नहीं हूं जो झूठी बात कहेगी। मैं ये बात को फिर कहूंगी कि धर्म की ना जात की ना हैसियत की है, सबसे बड़ी बिरादरी इंसानियत की है। दुनिया में जात धर्म का हर और सिलसिला, ये धर्म की नहीं ये खता जहनियत की है। सालों से सुनाती आई हूं, सालों से कथा सुनाती आई हूं, लेकिन फिर आपको सुनाकर जाना चाहूंगी कि काश अपने मुल्क में ऐसी फजा बने, मंदिर जले तो रंज मुसलमान को भी हो। काश अपने मुल्क में ऐसी फजा बने, मंदिर जले तो रंज मुसलमान को भी हो, मस्जिद के आबरू पे कोई आंच आना जाए, ये फिक्र मंदिरों के निगहबान को भी हो। हिंदी के लिए बात हो रही है, हिंदी ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है कि आज हमारे पीएम हिंदी बोलने लगे हैं, हिंदी को लेकर थोड़ी जागरूकता पैदा हुई है। लेकिन अभी भी अगर हम हमारे आसपास बिखरे हुए देखेंगे तो लोग बच्चों को इस तरह से डांटते हैं कि जैसे हिंदी बोलना पता नहीं क्या हो गया है। एक कथा सुना के फिर 2-3 छोटी छोटी सी कविताओं पर आऊंगी, क्योंकि वक्त बहुत कम है। अलग तरीके की कविता सुना के इजाजत चाहूंगी, सुनिएगा। जो हिंदी की दुर्दशा है, 4 पंक्तियों में आप तक पहुंचा रही हूं, आखिरी पंक्ति पे, आखिरी शब्द पे गौर कीजिएगा। सोचा न था मगर मुझे आभास हो गया, बेघर हूँ अपने घर में ये विश्वास हो गया। सीमित है पुस्तकों के ही पन्नों तलक ये अब, सीमित है पुस्तकों के ही पन्नों तलक ये अब, हिंदी में बात करना तो इतिहास हो गया। बहुत अच्छे। और देखिए, मैं बिल्कुल मालवीय जी की इस बात से, इन्होंने कहा कि फीमेल बोलूंगा या नहीं, भाई हिंदी के मंच पे कविता पढ़ रहे हैं, कहाँ तक फीमेल को इग्नोर करेंगे। सबसे बढ़कर तो माँ है, जिसको इंसान नज़रअंदाज कर ही नहीं सकता, सब पे भारी है एक लफ्ज माँ, इसलिए फीमेल को नज़रअंदाज किया ही नहीं जा सकता। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। क्योंकि मैंने बहुत पहले गजल के कुछ शेर सुनाए थे, सिर्फ एक शेर के लिए सुना रही हूँ, सिर्फ एक शेर के लिए उसको वापस सुना रही हूँ कि सुनिएगा जी, कि कभी वो शख्स, एक शेर सुना रही हूँ, कभी वो शख्स से उम्मीद मत करना वफाओं की, कभी वो शख्स से उम्मीद मत करना वफाओं की, जो माँ का हो नहीं सकता किसी का हो नहीं सकता। क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। लेकिन साहित्यकार और रचनाकार ये नहीं कि हम हमारी तारीफ करें। देखिए, आज मैं सुरेश जी बिल्कुल एक अलग तरीके की कविता आप तक सुना रही हूँ, हालांकि मैंने कभी भी जदीद शायरी और मॉडर्न शायरी में ज़्यादा मैंने वो नहीं किया, लेकिन फिर भी एक सार्थक बात, एक मॉडर्न अबला करके मेरी किताब आ रही है। अब आप सुनिएगा जो भी हालात हैं उस पर, और हम उस बात को अपने आप में, मैं वाकई बोल रही हूँ कि आज हमें फीमेल होने पर, कहीं कहीं औरत होने पर शर्मिंदगी महसूस होती है। सुनिएगा कि बाप का अकेलापन जवान होती बेटी से नहीं देखा गया, बाप का अकेलापन जवान होती बेटी से नहीं देखा गया। दादी से ठुनक कर बोली, दादी नहीं मां ले आओ ना, दादी ने जोर की चपत लगाई, क्यों छोरी क्यों है बोराई, अरे तेरी मरी हुई मां को क्या मुंह दिखाऊंगी जो तेरे लिए सौतेली मां लेकर आऊंगी। अरे तेरी मरी मां को क्या मुंह दिखाऊंगी जो तेरे लिए सौतेली मां लेकर आऊंगी। बेटी ने कहा कि दादी अब अपने और पराए में क्या फर्क होता है, रिश्ता तो वही होता है ना जो दिल से होता है। दादी अपने और पराए में क्या फर्क होता है, रिश्ता तो वही है जो दिल से होता है। सुना नहीं, एक सगी माँ ने अपनी ही बेटी का खून कर दिया है।
बहुत अच्छे। सुना नहीं, एक सगी माँ ने अपनी ही बेटी का खून कर दिया है। सच कहूं तो अब सगी माँ से भी विश्वास उठ गया है। दादी निरुत्तर थी, बाप हैरान था, कुछ कश्मकश में थोड़ा परेशान था, कमरे में खामोशी छाई थी। बाप ने बेटी के उदास चेहरे को देखा, बोला, क्यों री, कुछ और भी कहना है, कहेगी, क्यों मुंह उतर रहा है? बेटी ने रुआ से होकर कहा, बापू बापू जाने से पहले चाहती हूँ तुम्हारा घर बसाना। बापू अपने घर जाने से पहले चाहती हूँ तुम्हारा घर बसाना। बस एक ही शर्त है मेरी, कैकई नाम चलेगा, लेकिन इंद्राणी नाम की औरत को कभी अपनी पत्नी मत बनाना। इंद्राणी नाम की औरत को कभी अपनी पत्नी मत बनाना। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। एक कविता और आप तक सुना रही हूँ, सुनिएगा। हिंदी, क्योंकि हिंदी पत्रिका का है। जैसा कि मैंने कहा कि आप बचपन से देखते होंगे, मैंने हमेशा इस बात को कहा कि हर भाषा की अपनी खूबसूरती होती है, हर भाषा का अपना साहित्य होता है, हर भाषा बहुत रिच है, अपने आप में बहुत धनवान है। ये है कि हम अपनी भाषा की तौहीन ना करें, अगर दूसरे को हम सम्मान देते हैं। सुनिएगा, बचपन में आपने माहौल देखा होगा, तब ये कविता कह रही हूं कि एक माँ ने अपने बच्चे को पढ़ाते हुए कहा, बेटा इसे कहते हैं मून, बेटा इसे कहते हैं मून। बेटे ने कहा, हाँ मून। और माँ ने कहा, और ये हैं स्टार्स? तो बेटे ने कहा, नहीं ये हैं तारे, नहीं ये हैं तारे। माँ ने बेटे को दो थप्पड़ मारे, ओनली इंग्लिश नो हिंदी, ओनली इंग्लिश नो हिंदी। पता नहीं कहां से सीख कर आता है ऐसी बातें गंदी, पता नहीं कहां से सीख कर आता है ऐसी बातें गंदी। बच्चा सहम गया, गर्दन झुक गई, रोते रोते निगाहें शर्म से झुक गई। माँ ने कहा, बड़ा आदमी बनना है कि नहीं, बड़ा आदमी बनना है कि नहीं? बेटे ने डर के सिर हिलाया, तो माँ ने कहा कि फिर इंग्लिश समझ में आनी चाहिए। समझ में आया, इंग्लिश बोलनी आनी चाहिए, समझ में आया? बेटे ने कहा, यस मम्मा सॉरी। बड़ा हो गया पर भूल नहीं पाया वो बचपन की स्टोरी। आज वो बड़ा है, जवान है, ऊंची नौकरी है, ऊंचा खानदान है, पर आज भी हिंदी बोलने वाला उसे छोटा नजर आता है। अपने बच्चों को पढ़ाते आज वो भी ऐसे पढ़ाता है, बेटा ये है डे और ये है नाइट, खबरदार जो कहा रात है, क्योंकि हिंदी बोलना बहुत बुरी बात है, हिंदी बोलना बहुत बुरी बात है, हिंदी बोलना बहुत बुरी बात है। तो हिंदी की ये तौहीन, हिंदी की ये तौहीन आनुवंशिक हो गई है। विदेशी भाषा प्रासंगिक और देसी भाषा अप्रासंगिक हो गई है। हिंद में रहो, हिंदी खाना खाओ, हिंदी फिल्में देखो, लेकिन हिंदी मत बोलो। हिंदी में रहो, हिंदी खाना खाओ, हिंदी फिल्में देखो, लेकिन हिंदी मत बोलो। अगर मेरी बात से सहमत हो तो आओ जंतर मंतर पर एकत्रित हो लो, लेकिन मुझे मालूम है कोई नहीं आएगा, क्योंकि हिंदी अपने ही देश में पराई है, हिंदी सियासत है, वोट बैंक है, इसलिए राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं बन पाई है, राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं बन पाई है, राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं बन पाई है। बात हो रही थी वीर रस की, सरहद की। बड़े अफसोस के साथ कह रही हूँ, हम लोग कहते हैं कि हाँ हमने उतना मारा, इतना मारा, वहां पे ये मारे, वहां ये मारे। एक तीन चार अशआर सुना रही हूँ, सुनेगा। स्वागत। मैं सरहद, और दूसरे मिसरे पे आप सबकी तवज्जो चाहती हूँ। मैं सरहद हूँ बहुत खतरे में हूँ, पहरा भी रहता है। मैं सरहद हूँ बहुत खतरे में हूँ, पहरा भी रहता है, मगर दोनों तरफ इंसानियत का खून बहता है। मैं अहिंसा के देश से बात कर रही हूँ कि वहां भी मरने वालों का हमें उतना ही अफसोस है, क्योंकि इंसान जो है बेगुनाह है। सरहद सियासत जो दान है वो है जिम्मेदार। तो सुनिएगा, मैं सरहद हूँ बहुत खतरे में हूँ, पहरा भी रहता है। मैं सरहद हूँ बहुत खतरे में हूँ, पहरा भी रहता है, मगर दोनों तरफ इंसानियत का खून बहता है। अब देखिए, मैं बिल्कुल चमचागिरी नहीं करूंगी, सुनिएगा। यहाँ बच्चे झगड़ते फिर रहे हैं एक दूजे से, यहाँ बच्चे झगड़ते फिर रहे हैं एक दूजे से, मगर जो घर का मुखिया है हमेशा मौन रहता है, मगर जो घर का मुखिया है हमेशा मौन रहता है। और देखिए, मुंबई की बात बता रही हूँ, ये हकीकत है, सब लोग मेरी बात से इत्तफाक करेंगे, सहमत होंगे। मैं जिस बिल्डिंग में सालों साल से रहती हूँ हैरत है, मैं जिस बिल्डिंग में सालों साल से रहती हूँ हैरत है, खबर तक भी नहीं है कि बगल में कौन रहता है,
खबर तक भी नहीं है के बगल में कौन रहता है। और देखिए आज के हालात, जो घर था एकता का आज वो मलबा है नफरत का, जो घर था एकता का आज वो मलबा है नफरत का, वही शर्मा वही खानम वही मेरी ओ मेहता है, वही शर्मा वही खानम वही मेरी ओ मेहता है। और सुनिएगा जो भी हो रहा है अभी साहित्यकारों के साथ भी जो हो रहा है, अदब पर भी लगे पहरे जबां पर भी पड़े ताले। कत्ल होने लग गया राइटर्स का सच बोलने पे, तो सुनिएगा, अदब पर भी लगे पहरे जबां पर भी पड़े ताले, हया सच बोलने वाला तो अब धमकी सहता है, हया सच बोलने। और बस एक छोटी सी कविता सुना के इजाजत चाहती हूँ। इसमें भी जैसे बोल रहे थे कि मतलब मैं बयान नहीं कर पा रही कि एक ऐसा रिश्ता शायद इससे बढ़कर घिनौना काम दुनिया में कोई हो नहीं सकता। और अगर जैसे उन्होंने कहा कि फीमेल लांस से नफरत हो गई, वाकई अगर आप ये छोटी सी कविता आप तक पहुंचा रही हूँ, ना मर्द जात से नफरत हो जाए, तो आप बोल दीजिए मेरी बहनें यहाँ पर बैठी हैं। और मतलब हैरत होती है कि इस तरह के भी जो है आजकल वाकई होने लगे। सुनिएगा, बलात्कार का मामला था, सुनिएगा आप आखिरी पंक्ति पे गौर कीजिएगा कि बहुत आम हो गए हैं किस्से। बलात्कार का मामला था, भीड़ जमा थी, बलात्कार का मामला था, पूरा गांव जमा था, भीड़ खड़ी थी, पंचायत लगी थी, और जो लड़की थी वो बुत की तरह खामोश खड़ी थी। बेटी की माँ रोई जा रही थी, चिल्लाए जा रही थी, इसे मत छोड़ना, ये शैतान है, मेरी बेटी की इज्जत से खेलने वाला हैवान है, इसे मत छोड़ना, ये शैतान है, मेरी बेटी की इज्जत से खेलने वाला हैवान है। तभी कुछ लोगों ने तंज कसे, हंसी उड़ाई, उस पर इल्जाम लगाया, अरे लड़की कौन सी दूध की धुली है, लड़की कौन सी दूध की धुली है, कई बार इन दोनों को साथ आते देखा है, साइकिल में टैक्सी में घूमते हुए बतियाते देखता है, यही तो था जो इसे मेले में घुमा रहा था, खेत में बैठकर इसके हाथों से खाना खा रहा था, जब इतना अपनापा है तो आगे भी सब अपनी मर्जी से हुआ होगा, अरे मर्द जात का क्या है, इसने ही बढ़ावा दिया होगा, जब इतना अपनापा है तो आगे भी सब मर्जी से हुआ होगा, मर्द जात का क्या है, इसने ही बढ़ावा दिया होगा। पंचायत ने पूछा, क्यों री छोरी, तू इसके साथ घूमा करे थी, छोरी ने कहा, हाँ बतियाया करे थी, हाँ गले में बहिया डाल दिया करती थी, बोली हाँ, तो बोले चलो रे चलो, पंचायत बर्खास्त करो, मामला खत्म, लड़की ही उल्टा है, अपने अपने घर चलो। लड़की का बदन थरथराया, बदन कसमसाया और चिल्लाई, चुप, हाँ मैं इसके साथ घूमने जाती थी, मेले में जाती थी, इसके हाथ से खाना खाती थी, इससे गले मिलके लिपट जाती थी, लेकिन मैं तो ये सब मासूमियत में करती थी, लाड़ में करती थी, मुझे क्या मालूम था इसके दिल में पाप है, क्योंकि मेरी इज्जत से खेलने वाला खुद मुझे जन्म देने वाला मेरा बाप है। क्या बात है, जोरदार तालियां लता हया जी के लिए होनी चाहिए।